राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित 31वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रदेश जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रताप वर्मा रहे। वहीं प्रदेश जूडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस जूडो चैंपियनशिप में 8 जिलों के 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि 22 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है, जिसमें 8 जूनियर वर्ग से और 7 बच्चे कैडेट वर्ग से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता करवाने का मकसद बच्चों को नशे से दूर रखना है। सुरेंद्र ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। इस प्रतियोगिता में 8 जिलों से 120 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें कि सीनियर और कैडेट और जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता थी। अलग अलग कैटेगरी से 8 बच्चे जूनियर वर्ग से, 7 कैडेट से और 7 ही सीनियर वर्ग से राष्ट्र स्तर के लिए इनका चयन हुआ है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जिस तरह से खेलों का आयोजन है वो चलते रहना चाहिए। शारीरिक और दूसरी मानसिक जो भी व्याधियाँ रहती है बच्चों के अंदर वो बिल्कुल ठीक रहती है। और दूसरा, राज्य सरकार ने 3% जो कोटा आरक्षित किया है खेल नीति के तहत, तो उससे भी बच्चों को आगे कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या चाहे सरकारी नौकरी है उसमें जो स्पोर्ट्स का बेनिफिट मिलता है।